berani sama saya pakai tapi gua punya nama muka kan baik ya eh gua sekali ini bagian itu kan baik sudah baik sudah ini saya otak lagi tuh सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी गणपति बाबा मोरिया और मेरे सभी दर्शकों को सभी लोगों को गणपति की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बाबा घर आए हैं वापस पिछले साल भी आए थे इस साल भी आए हैं तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बहुत खुश हूँ तो क्या मनोकामना मांगी अपने गणपति से खुद के लिए या परिवार के लिए क्या देखिए मैंने इस बार सिर्फ एक ही चीज़ दुआ मांगी सबके लिए मेरे अकेले के लिए नहीं मांगी है सबके घर पे यहाँ पे सब लोग शांति से अपने जीवन में खुश रहे शांत रहे और जो बिहार में बाढ़ आई है वो सब लोग बाढ़ से उभरे और वो सुख शांति से सब लोग बचे रहें सेफ हो जाएं सब वहाँ से और भगवान आगे बिहार या यूपी या कहीं पे भी इतना कहर बरसाए नहीं बाबा अपना सिर्फ प्यार बरसाए ये दुआ मांगी है मैंने तो जैसे आपने बिहार की बाढ़ के बारे में कहा तो भोजपुरी इंडस्ट्री से या अपनी तरफ से क्या योगदान करना चाहेंगे क्या देखिए जितना भी हमसे वो हो पाएगा जैसे भी अभी मतलब कुछ लोग कर रहे हैं तो हम लोग भी देख रहे हैं कि कहाँ पर योगदान किया जाए जो उन तक पहुँचा जाए जैसे कि हम लोग कुछ भी हमारी ओर से हम लोग अगर कुछ पैसे भी हम लोग देने चाहें या कपड़े भी और भी चीज़ें हम लोग सहायता करना चाहें तो वही अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं कि किसी भी खिसारी जी ने किया है तो बहुत अच्छी बात है पवन जी ने किया है तो हम लोग भी उनसे पूछ के आगे बढ़ना चाहेंगे और हम अपनी ओर से पूरी मदद करना चाहेंगे देखिए सबसे मेन चीज़ ये कि बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ये चीज़ होनी ही चाहिए थी औरत का किसी एक उसी वहाँ पे था कि औरत को उतना हक नहीं था अगर सिर्फ मर्द तलाक तलाक बोलेगा तो तलाक हो जाएगा तीन तलाक इतनी आसानी से रिश्ते टूटने नहीं चाहिए तो ये बहुत अच्छा हुआ कि बंद हो गया है और ये मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि औरत को ये हक होना चाहिए था अब बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ है अभी मुकद्दर आ रही है मेरी बहुत जल्दी पिक्चर आने वाली है खिसारी जी मैं हूँ उसमें काजल जी हैं एंड शमीम जी हैं उसके बाद पागल दिलवा आ रही है दरार 2 आ रही है जब प्यार किससे होता है आ रही है बहुत ढेर सारी पिक्चरें जो आने वाली हैं और मेरे दर्शकों को बैक टू बैक मेरी पिक्चर देखने को मिलेगी आज बाबा राम रहीम का फैसला होने वाला है उनको मर्डर और रेप के क्या कहना चाहेंगे क्या होना चाहिए देखिए मैं तो एक ही चीज़ के साथ में सच्चाई के साथ में हूँ अगर गलती है तो फैसला जो आए वो सबको मानना चाहिए और अगर गलती नहीं है तो ऑब्वियसली तो मैं वही बोलना चाहूँगी कि जो सच है सभी लोग उसका साथ दें अगर बाबा राम रहीम सही है तो ऑब्वियसली उन पर कुछ आ जाएगी नहीं और अगर नहीं है तो थैंक यू गणपति का पावन पर्व है क्या कहना चाहेंगे कि आपने क्या मनोकामना मांगी आपका जो भोजपुरी इंडस्ट्री में योगदान है उसके बारे में बताइए कि किस तरह से आप चाहते हैं कि और योगदान करेंगे पहले तो गणपति बप्पा मोरिया भगवान से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती भगवान तो अंतर्यामी होता है हमारे मनोकामनाओं को जानते हैं हमारी इच्छाओं को जानते हैं इंसान जो है इच्छा तो बहुत होती है हम कितनी इच्छाएं करेंगे लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी है जो भगवान को लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ठीक है सटीक है वही होना चाहिए ये भी कहना चाहूँगा कि आप खुद निर्माता हैं तो आपको मालूम है कितना चैलेंज फेस करना पड़ता है फिल्म निर्माण के क्षेत्र में स्ट्राइक्स होते रहते हैं वर्कर्स को इतना प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जैसे स्ट्राइक होता है अगर स्ट्राइक आदमी कब करता है जब उसका कुछ डिमांड होगा या कुछ उसको तकलीफ होगी आपको कुछ दुख होगा तो आप कैसे उसको व्यतीत करोगे अपना दुख को कैसे बयान करोगे तो यही एक माध्यम है स्ट्राइक करके या उसको बैठ के बात करके उनको ऐसा लगता है कि शायद उनकी कोई बात सुन नहीं रहा है इसलिए वो स्ट्राइक कर रहे हैं मुझे लगता है कि उनको बात करना चाहिए और उनकी भी मांग जो है जायज़ होनी चाहिए कि जो ज़रूरी है उनको लगता है कि भाई ये ज़रूरी है ये पूरा होना चाहिए तो डेफिनेटली वो करना चाहिए जिंदगी में इतनी सफलता हासिल की आपने घर बसाना भी जरूरी है तो कब आप घर बसा रहे हैं कौन है ड्रीम गर्ल कुछ बनने कहना चाहेंगे इस बारे में ड्रीम गर्ल मिल जाएगी तो कर लेंगे फिर भी कुछ बताइए कुछ हिंट दीजिए कि कौन है नहीं मिल ही चुकी है इंडस्ट्री से सर बताएंगे आपको थैंक यू